टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. टॉपिक का नाम है सत्याग्रह एंड विजिट ऑफ गांधी जी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. पहले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि क्या इफेक्ट पड़ा है वर्ल्ड वॉर का इंडियन इकोनॉमी पे. अब हम लोग पढ़ेंगे कि सत्याग्रह क्या है और गांधी जी इंडिया के किस किस पार्ट में ट्रैवल किए थे. ये जो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है. अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो एनसीईआरटी बुक को जरूर अपने सामने खोल कर रखेंगे. तो पहला है कि सत्याग्रह होता क्या है. सबसे पहले सत्याग्रह जो है उसने गांधी जी का मतलब बताया कि पावर ऑफ ट्रुथ. गांधी जी ने बोला कि अगर हम सत्य की मार्ग पर चलेंगे तो हम आसानी से किसी भी आजादी को ले लेंगे बिना वायलेंस का यूज किए, मतलब बिना हिंसा का यूज किए हुए. कहता है कि महात्मा गांधी इंडिया जब रिटर्न हुए तो कब रिटर्न हुए, 9 जनवरी 1915 को. महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न हुए 9 जनवरी 1915 को. और उसके बाद गांधी जी ने क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका में भी काफी एक सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट किया था. वहां के रेसिस्ट सरकार के, मतलब नस्लभेदी सरकार जो थी वहां पे, जो कलर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करती थी, उसके खिलाफ गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था साउथ अफ्रीका में भी. जब गांधी जी ने इंडिया आकर देखा तो इंडिया का माहौल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश उस समय इंडिया में राज कर रहे थे और इंडिया के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे. गांधी जी ने बोला, एक सत्याग्रह का सबसे मेन टर्म बोला कि इफ द कॉज वाज ट्रू. कहता है कि अगर आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, आपका जो कॉज है, कारण है, वो सच है. इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर. तब आपको कोई फिजिकल फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है. कब नहीं है, जब आपका कॉज ट्रू होगा, मतलब आपका जब कारण सच होगा, आपका स्ट्रगल जब इनजस्टिस के खिलाफ होगा, तो आपको किसी फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बोला कि आप अपने विरोधियों को फील करवाइए कि आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं. उसको फोर्सफुली ये नहीं कहिए कि आप जो कर रहे हैं उसको मार पीट के, कि आप मानिए कि आप गलत कर रहे हैं. उसको इमोशनली फील कराइए, क्योंकि गांधी जी का सत्याग्रह इसी कंसेप्ट पे पूरी तरह से बेस्ड था. उसके बाद कहता है कि गांधी जी इंडिया की किस किस पास में ट्रेवल किए, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. कहता है कि 1916 में गांधी जी चंपारण ट्रेवल करने के लिए इंडिया में आए. ठीक है, चंपारण जो आए थे वैकुंठ शुक्ला उनको बुलाए थे कि आप आइए चंपारण, वहां के किसानों के मनोदशा को समझिए, वहां के किसानों की कंडीशंस को समझिए कि किसान क्या चाह रहे हैं. तो वही लिखता है बुक में कि ट्रैवल टू चंपारण बिहार टू इंस्पायर द पीजेंस, मतलब यहाँ के किसानों को काफी ज्यादा इंस्पायर करने के लिए आए थे कि आपको ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल करना, ब्रिटिश के खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी, हाई रेवेन्यू के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा. तो 1916 में गांधी जी कहां गए, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गए. फिर 1917 में गांधी जी कहां गए, 1917 में गांधी जी खेरा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के. कहां पे गए, 1917 में खेरा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के, जहां पे उन्होंने सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया वहां के किसानों को सपोर्ट करने के लिए. उसके बाद कहता है कि 1918 में गांधी जी कहां गए, तो 1918 में वो गए कॉटन मिल वर्कर अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद के लोगों के पास गए, वहां के कॉटन मिल वर्कर के पास गए, वहां के उनके ग्रीवांस को समझने के लिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है. तो मैंने क्या बताया कि सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह एक पावर ऑफ ट्रूथ है. और क्या बोला कि इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन देयर वॉज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फिजिकल फोर्स टू फाइट द ऑपरेसर. आपको अपने दुश्मनों को फील कराना है कि आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती ये चीज एक्सेप्ट नहीं करवाना है. फिर गांधी जी तीन टूर किए थे इंडिया का. 1916 में गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में गए, जहां पे किसानों का जो रेवेन्यू था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की. 17 में गांधी जी कहां पे गए, 17 में खेड़ा गए, वहां पे भी हाई रिडक्शन इन रेवेन्यू के लिए उन्होंने फाइट किया. और 1918 में गांधी जी कहां गए, कॉटन मिल वर्कर अहमदाबाद के पास गए, वहां के किसान, वहां के क्या कहते हैं, कॉटन मिल वर्कर्स की ग्रीवांस को समझने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए. ये था सेकंड टॉपिक. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.